नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो अपने बढ़ाव पानी के स्तर में बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं परेशान हैं। अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये है वाराणसी का 80 घाट, जहाँ पे लगभग सबसे ज़्यादा भीड़ होता है मुझे लग रहा है पूरे घाटों में, और यहाँ के स्थानीय लोग किन समस्याओं से गुजर रहे हैं और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था से क्या व्यवस्था कर रखी है, इन तमाम बातों को हम लोग जानेंगे। और हम लोग उस प्लेस को भी देखेंगे जहाँ से सुबह बनारस प्रसारित होता है, और वो प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग शाम में आते हैं, घूमते हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो डूब चुका है, तो उसको भी चल के हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोग बस ये वाला रास्ता देखो कि जहाँ से एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ के आसपास के जो शॉप्स हैं वो अभी खुले हुए हैं, लेकिन जो दूर के शॉप्स हैं वो लगभग माइग्रेट हो चुके हैं। आप दूर एक दुकान भी देख रहे होगे, वो अभी यहाँ से पोस्टपोन्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरह से लोकल लोगों ने मुझे लग रहा है बैरिकेडिंग लगा रखी है। प्रशासन की तरफ से कोई खास बैरिकेडिंग नहीं है, लेकिन लोकल लोगों ने देख रहा हूँ कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है कि यहाँ आप नहीं जा सकते। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बार इनसे इंटरप्ट भी हो जाते हैं कि क्या व्यवस्थाएँ हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जी यशन पांडे। क्या नाम बताया? यशन पांडे। यशन पांडे जी से बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये पानी का स्तर बढ़ता जाएगा? अभी दो दिन और बढ़ेगा। दो दिन और बढ़ेगा जी, जहाँ तक मुझे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, लगभग कहाँ तक बढ़ने के चांसेस हैं? चांसेस हैं कि वो आपको जो चाय की दुकान दिखाई दे रही है वहाँ तक। और यहाँ प्रशासन की क्या सुरक्षा व्यवस्था है? प्रशासन बहुत टाइट है। जी हाँ, प्रशासन की कोई गलती नहीं। अच्छा, नाव किसी प्रकार का कोई भी नाव चलाने प्रकार के नाव नहीं चल रही है, किसी की अस्थि छुड़वानी है तो 10 कदम छुड़वा दिया जा रहा है, पिंड दान करना है। अच्छा, मात्र 10 कदम के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा देखेंगे वो उस प्लेस को भी जहाँ से पानी का स्तर 80 घाट में घुस रहा है, ठीक है। अभी ये जो प्लेस है, ये वाला मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप दिखाइएगा, ये वही प्लेस है जहाँ पे मतलब हर शाम सैकड़ों की संख्या में भीड़ होता है, ट्रैफिकिंग होती है, और आप देख लो कि यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि यार यहाँ तक पानी आ चुका है, तो हाँ जी, यहाँ तक पानी आ चुका है। यहाँ के लोकल बच्चे हैं जो पानी में भी खेल रहे हैं, और हम लोग अब आपको ले चलते हैं उस प्लेस पे जहाँ से आपको 80 का वो प्लेस दिखने वाला है जो आप लोग हमेशा देखते हो, और वो डूब रहा है, काफ़ी वहाँ पानी भर चुका है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो मुझे लग रहा है ये लोग बाढ़ को आनंद के रूप में ले रहे हैं। फिर आप कहाँ से भैया? भैया हम कटनी से आए हैं। कटनी से? मतलब हाँ, ये क्या आप मतलब सच में पानी देखने आए, 80 घाट देखने आए? नहीं, हम दर्शन करने आए थे। तो हुआ दर्शन आपको? हाँ, दर्शन तो उनके होगा, लेकिन यहाँ से अभी यहीं गंगा माता के दर्शन यहीं से हो जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। आप कहाँ से लौंगे? मैं उनकी बहन। अच्छा, साथ में घूमने आए? हाँ। तो अभी फिर दोबारा प्लान करोगे फिर जब पानी? हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत हम लोग चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा उस गेट को भी देखेंगे जो अक्सर सुबह बनारस के लिए भी जाना जाता है और बहुत ही फेमस है। तो मैं भी थोड़ा भीगने को तैयार हूँ, मुझे लगा मेरे कैमरामैन भी भीगने के लिए तैयार है। जाने वहाँ तक तो जा पाएंगे ना? हाँ, वहाँ तक तो जा पाएंगे ना, लेकिन पैरवा मोड़ लीजिए ना, पैंटा भीग जाएगा। ओह माय गॉड, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। मैं आगे के फॉलो करूँगा, तुम पीछे से फॉलो कर लेना यार। एक ओके, ये वाला प्लेस दिखाना है, ठीक है। ये वो प्लेस है, ये वो प्लेस है। मैं चाहूँगा कि हाँ, ये याद आ रहा है किसी को? जो लोग देखे होंगे, मुझे लग रहा है कि अक्सर इस प्लेस पे लोग यहाँ से उतर के नीचे जाते हैं और फिर 80 घाट पे चले जाते हैं, और ये वो वाला प्लेस है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है। पार्किंग मुझे लग रहा है पूरा डूब चुका है, यहाँ पे अक्सर प्रशासन के लोग भी बैठे रहते हैं थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और ये वाला तो मैं फिर से चाहूँगा दिखाना, ये वही वाला प्लेस है ना जो ऐसे स्लोप में नीचे चला जाता है, फिर आप 80 घाट तक जाते हो। देखो, ये पूरा डूब चुका है, और ये शानदार रहा ट्रैवलिंग हम लोग का। ये आप लोग का पार्किंग है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वो भी डूब गया है। फिर यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा जो ज़मीन स्तर है वो ऊँचा होने की वजह से यहाँ पानी अभी नहीं आया है, और अब हम लोग 80 के उस प्लेस पर जा रहे हैं जो सुबह बनारस के नाम से जाना जाता है, और वो एक शानदार सीन आने वाला है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा वहाँ तक हम लोग जा पाएंगे, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेना नहीं है। और आप लोग भी घर पे हैं, तो अगर आसपास ऐसे जल भराव है तो रिस्क नहीं लेना है, ध्यान रखना, और ख़ासकर ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने की वजह से आप लोग सेल्फी लेने की वजह से ऐसा रिस्क लेते हो। तो हम लोग जस्ट वहाँ तक फॉलो करेंगे इसको, मुझे लग रहा है क्योंकि वहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तैरने आते हैं? हाँ भैया। हाँ, कितने साल के हो? हम 12 साल के भैया। 12 साल के हो, तैरने आते हैं? हाँ। लेकिन फिर भी 12 साल के हो तो रिस्क मत लेना, ये नहीं कि तैरने आता है तो चले गए छलांग लगा के अंदर। हाँ भैया। हाँ?
ठीक है। और ठीक है चलो अब इंजॉय करो, अभी हम लोग उस गेट तक पहुंचने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पानी का स्तर आप लोग देख सकते हो, ये वही प्लेस है जहाँ दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ पे स्ट्रीट फूड लगते थे याद है, और ये फिर वो जो गेट आ जाता है जहाँ से लोग एंट्री लेते हैं, और ये यहाँ पे गंदगी भी है क्योंकि 80 का जो नाला जो आप लोग बोलते हो, मुझे लग रहा है वो भी इसमें बगल में नाला है, तो नाले का पानी जो है वो इसमें रिवर्स बैक आ गया है। तो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे जाने का रास्ता है यहाँ से यहाँ तक? नहीं यहाँ तक तो जा सकते हैं ना, इस पे से अच्छा अच्छा ठीक है। थोड़ा सा फॉलो कर, हम लोग वो दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ से तो पूरा गंगा दिख जाएगा। ओके पराग भीग गए भाई 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 भाई, थोड़ा सा खड़े होकर हम लोग को पकड़ लो तुम, लेकिन तुम छोटे हो यार, पकड़ोगे कैसे? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओह माय गॉड या। तो अभी हम लोग उस प्लेस पे आ गए हैं, 80 का मेन रास्ता यानी मेन द्वार जहाँ से आप लोग घाट के लिए नीचे उतरते हो, ये आप लोग देखते हो कि ये बनारसी बाटी चोखा वाला रास्ता ऐसे जाके फिर जो 80 के नाले के बगल से गुजर के फिर लंका जाता है, तो ये वही वाला रास्ता है। शाम के टाइम तो यहाँ सैकड़ों की भीड़ होती है, बहुत ट्रैफिकिंग होती है, और कुछ स्थानीय लोग ही यहाँ नज़र आएंगे, आउटर लोग नहीं, क्योंकि स्थानीय लोग को लगभग थोड़ा आइडिया होता है तैरने वगैरह का, तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं। और ये 80 का नाला जो है ना, ये पूरा वापस आ गया है इस गंगा रिवर में, और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? शिवम पटेल। शिवम पटेल, और आपका? रामचर्या। रामचर्या चर्या, वाह बढ़िया। शिवम पटेल रामचर्या जी, आप लोग यहाँ स्थानीय लोग हो, यहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस से। तो मतलब ये कैसा कैसा लग रहा है देख के आपको, ये पूरा 80 घाट पे पानी? ये तो मतलब मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर। हाँ अच्छा, आपने? मतलब हम भी पहली बार देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, आसपास के लोग एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, पानी भी बढ़ेगा घटेगा? मतलब इसको देखते हुए तो सभी लोग बता रहे हैं कि जहाँ तक उम्मीद है मतलब बढ़ेगा पानी और बढ़ेगा। हाँ अच्छा, ये बहुत सारे लोग जो कैमरा में देख रहे होंगे उन्हें पता नहीं होगा कितना गहरा है यहाँ पर, हम लोग को भी नहीं पता था, मतलब यहाँ पर आने पर मतलब सभी लोग बताए मतलब 15-20 फीट 15-20 फीट लगभग गहरा है। वैसे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो वाला एरिया दिखाइएगा, ये वो सुबह बनारस का वो वाला प्लेस है, देख रहे हो ना वो जो दिख रहा है आपको, एक पिक पॉइंट दिख रहा है ये मंदिर जैसा, ये सुबह बनारस का वो वाला प्लेस है जहाँ पे प्रोग्राम होता था, और उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है जो पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ पत्थर का, और उस पर आरती होता था, और नाव से देखो उसको पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया कि मतलब कोई भी जो घूमना चाहता है या बस ऐसे मस्ती के लिए जाना चाहता है वो जाए ना। मुझे लग रहा है स्थानीय लोग भी इसमें बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, उन्हीं लोग का इसमें पूरा सहयोग भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ध्यान देना चाहिए बाढ़ आने पे, क्या बातें ध्यान इसमें मतलब ध्यान देना चाहिए, मतलब कि पानी तो पहली बात गहराई है, ठीक है, यहाँ पर लोगों का आना जाना पाबंदी करना चाहिए, मतलब कि कोई घटनाएं ना घट जाए। बारिश आ गई है और बूंद भी गिरने लगी है, तो हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारा जो कैमरा है भाई उसमें पानी जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग अभी बंद कर दियो अच्छा ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, माय गॉड, ठीक है। BHU पाठशाला पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, ये बहुत हम लोगों ने रिस्क में वीडियो शूट करा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। हर हर महादेव।